मैं वापस इस वक्त सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर तलहा बिन अयूब से। तलहा बिन अयूब एक प्राइवेट सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और डॉक्टर भी हैं वहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे चले, एक तो तला एक तो ये व्यू है कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने नहीं जाना, लेकिन मैं वहाँ जाने पर तैयार हूँ, मैं हॉस्पिटल जाने पर तैयार हूँ। तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स हैं आपके, क्योंकि तीन तरह के अवाम हैं और आज हमने तीन तरह के अवाम को डिस्कस करना है। एक अवाम जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि ये है ही नहीं है, ये साजिश है। एक अवाम वो है जो मानने को तैयार है लेकिन वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है और वो कहती है मैं घर पे रहूंगी। और एक अवाम है जो वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल तो जाऊंगी लेकिन मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो आप मुझे से बताइए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या प्रोटोकॉल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो प्रैक्टिकली आई थिंक जिस सेंस आपने तीन स्ट्रेटा लोगों के डिस्क्राइब किए हैं कि तीन किस्म के लोग हैं, एक जो बिलीव ही नहीं करते कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, having said that, उनका कोई रिलेटिव सिक है जिसके वजह से अस्पताल में आए हैं। अब इशू ये है कि आई थिंक ओवर द पास्ट वीक इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ गई है एंड इतना बड़ा पेशेंट बर्डन अब आने लगा है कि क्विकली पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट कि ये है या नहीं है, ये एक ज़रा सा डिफरेंट रुख इख्तियार कर चुकी है। मैंने एज आई सेड के अपने आउट पेशेंट क्लिनिक के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 पेशेंट्स देख रहा हूँ इन ईच क्लिनिक। इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आफ्टर पेशेंट इज कमिंग विद फीवर। सो हमारा प्रेवलेंस और पेशेंट लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि आई थिंक इट्स इमटीरियल कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। फॉर द कॉमन पब्लिक जो वो पहले अपने गली मोहल्लों के डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि उनको डायग्नोज करते हैं टाइफाइड के ऊपर टाइफाइड फीवर के साथ, और हमारे पास आते हैं और हम कह मैं कम से कम उन्हें ये कहता हूँ कि अगले साल भी पॉजिटिव आएगा और अगले 10 साल बाद भी पॉजिटिव आएगा, तो आई काइंड ऑफ लेट देम लिव विद देयर यू नो कंफर्ट जोन कि ये टाइफाइड फीवर है। ऑल आई गिव देम इज एडवाइस ऑन द रेड फ्लैग्स। आई आस्क देम कि हॉस्पिटल आना है अगर ये सिम्टम्स आपको हो जाए, अदरवाइज गो होम, आइसोलेट योर सेल्फ, पेनाडोल की गोलियाँ लें एंड यू नो वेट इट आउट। आपने ये बोला कि जो मोस्टली आपके पास लोग आते हैं उनको पहले लोकल जो जनरल फिजिशियन या गली के जो डॉक्टर्स होते हैं, माजरत किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन गलत डायग्नोसिस हो रहा है ये मैंने भी नोट किया है कि डॉक्टर्स भी कुछ डॉक्टर्स भी इसको कुछ मलेरिया करार देने की करते हैं, कुछ टाइफाइड करते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर आयशा से अभी बात हो रही थी कि एक रूल है कि जब कोई चीज़ हवा में हो जैसे पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो तो आपको सबसे पहले उसको सोचना होता है